हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज की वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगी कैसे यहाँ पे मैसेज टोन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइज वीडियो स्टार्ट कर लेने से पहले लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाना ना भूल। तो गाइज आपको पहले ना आपको हमें जाना गाइज मोबाइल सेटिंग आइकन दो। तो चलिए गाइज यहाँ पे मोबाइल सेटिंग आइकन में चलते हैं। तो गाइज जैसे मैं आपको बता दूँ, गाइज यहाँ पे आपको मोबाइल सेटिंग आइकन मिल जाएगा। तो गाइज यहाँ पे आपको काफ़ी सारी आइकन दी गई, जिसमें से गाइज आपको यहाँ पे मोबाइल सेटिंग आइकन दिया गया, जिसको हम यहाँ पहले ओपन। तो गाइज चलिए गाइज मैंने यहाँ पे इसको ओपन कर लिया। अब गाइज ओपन कर लेने के बाद आप गाइज देख सकते हैं यहाँ पे आपको काफ़ी सारी फंक्शन दी गई, जिसमें से गाइज आपको यहाँ पे साउंड और वाइब्रेशन पे जाना है। तो गाइज यहाँ पे आपको मैंने वो ऑप्शन ओपन कर लिया है। ओपन कर लेने के बाद आप गाइज देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको क्या लेना, मैसेज टोन को ओपन कर लेना। तो गाइज यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया। फिर गाइज आपको यहाँ पे नीचे आना है, यहाँ पे आपको मिलता है कस्टमाइज ऑप्शन। तो कस्टम ऑप्शन पे क्लिक कर लेने, गाइज यहाँ पे आपको कुछ सॉन्ग्स वगैरह मिलते हैं। तो गाइज हम क्या लेंगे, देखें रिकॉर्डिंग। तो गाइज ये आपका रिकॉर्डिंग है और यहाँ पर म्यूजिक है। तो गाइज यहाँ पे मैंने म्यूजिक पे ये वाला रख लिया और यहाँ से मैं बैक आ गया हूँ। तो गाइज जो आपका मैसेज टोन है वो आपका हो चुका है। तो गाइज यहीं पे हमने कस्टमाइज़ कर लिया और यहीं पे हमारी वीडियो समाप्त हो जाती है। और अगली वीडियो भी हमारे साथ बने रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।